मटेरियल जो है उसको हम रीयूज कर रहे हैं, गत्ता जो है पेड़ से बनता है, इसको हमने पैकना नहीं। दूसरा अगर इसमें अगर चिड़िया आ जाएगी तो उसमें कितना मजा आ जाएगा। ये कई घरों में मैं देख के आ गया हूँ, हमारे घर में भी लगे हुए हैं। इसमें केवल थोड़ा सा हमें कटिंग करनी है और हमने उसको उस लाइफ बनाना है कि इसमें चिड़िया आ जाए। मैं फटाफट बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हमने इसको होल कर दिया है और इसको हमने चारों से टेपिंग करके बंद कर दिया है ताकि ये खुले ना। और इसमें हमने पीछे से एक होल करा है, इसको हम कील में टाकेंगे। ये हमने पीछे करा है और एक नीचे से इसमें होल करा है और एक लकड़ी लगा है अपने साथ। ये देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो क्लैपिंग कर दीजिए। और मैं इसको यही कॉलेज में, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, मैं यहाँ पर कहीं बिल्डिंग में लगा के जाऊंगा इसको, और जो दो नेस्ट है इनको भी लगा के जाऊंगा। और आप लोग खुद ही देखना कि इसमें चिड़िया आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैं भी यहाँ पर समय समय पर देखने आऊंगा, इसकी सफाई भी करनी है। इसमें केवल एक होल करने की एयर होल करने बाकी है, बाकी ये तैयार है। आप घर में लगाइए इसको, बहुत आसान चीज है। बस मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमने समाज में पर्यावरण के प्रति कुछ करना है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कह सकते हैं। नहीं, स्पेस सही है, थोड़ा ये रेडीमेड मसला में तो इसमें कलर कर दूंगा बढ़िया करके और ड्राइंग कर दूंगा, बाहर से कुछ बना दूंगा, तो आपके बाजार में बहुत अच्छा लगेगा और 300 रुपये में मिलेगा। इसमें बहुत मुश्किल है क्योंकि वो कहाँ पर रहेगी जी मैम। इसमें अगर चिड़िया अंदर अंडा सेकने के लिए बैठेगी तो उसमें पूछ आता है। सब जगह मिल रहे हैं लेकिन हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले मेरा उद्देश्य था कि नेस्ट लगाए हम, लेकिन आज नेस्ट लगा रहे हैं तो उसका साइज हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं लगाना है, साइज हमारा वो बड़ा वाला है, अंदर 5x5 इंच जगह होनी चाहिए और नीचे गद्दा बनाने के लिए घास डालने के लिए जगह होनी चाहिए। पर इसीलिए हमारे यहाँ होल साइज बड़ा नहीं होगा तो चिड़िया एकदम पसंद कर लेगी और दूसरी चिड़िया अटैक भी नहीं करेगी। गर्मी में सुबह पोछा लगाती है मम्मी या पत्नी तो पंखा चलाती है तो पड़ जाती है। आप अगर मेरे YouTube चैनल में देखोगे तो पट्टी की चिड़िया भी मेरे पास आई है जिनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। अपने प्रयास से जितना हो सकता है मदद कर रहे हैं और आप लोग भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अपने घर रहकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
एक अपने वहाँ लगाइए, उनसे पूछिए आपके वहाँ आगे नहीं है, मेरे वहाँ आगे, या आप मेरे वहाँ नहीं है, आपके वहाँ आगे। तो हम ऐसे ही करके पर्यावरण बचा सकते हैं। कोई स्पेशल कार्यक्रम नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, हमें केवल अपने घर में रहकर करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।